करें, शहर में कौमी और सूबाई असेंबली की चार नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का ये मार्का है जो आज चल रहा है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। बल्ले और शेर को अपनी अपनी जीत के लिए उम्मीद नजर आ रही है। उम्मीदवारों के सपोर्टर और वोटर्स भी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। असेंबली के 2 हलके NA 124 और NA 131 जबकि सूबाई असेंबली की 2 नशिस्तों PP 164 और PP 165 पर पोलिंग का अमल जारी है। जनरल इलेक्शन में NA 124 में हमजा शहबाज शरीफ ने वाज़ह मार्जिन से फतह हासिल की। इसी सीट पर अब नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी और PTI के गुलाम मोहियुद्दीन मद्दे मुकाबिल है। NA 131 में आम इंतखाबात में वजीर आजम इमरान खान ने सख्त मुकाबले के बाद ख्वाजा साद रफीक को 680 वोटों से शिकस्त दी थी। इस हलके में एक बार फिर ख्वाजा साद रफीक मैदान में हैं, जबकि इन्हें PTI के हुमायूं अख्तर खान का चैलेंज दरपेश है। NA 131 के कुल वोटर्स की तादाद 3,65,677 है। कुल 691 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं जिनमें 49 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। PP 164 और PP 165 की नशिस्तें शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई है। PP 164 में यूसुफ अली का मुकाबला नून लीग के सुहेल शौकत भट्ट से, जबकि PP 165 में नून लीग के सैफुल मुलूक खोखर का मुकाबला तहरीक इंसाफ के मंशा सिंधु से है। PP 165 में कुल वोटर्स की तादाद 1,32,077 है, जबकि PP 164 में वोटर्स की तादाद 1,33,579 है। तमाम हलकों में पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जबकि लेस्को ने आज लोड शेडिंग ना करने का ऐलान किया है। उधर मुल्की तारीख में पहली बार समंदर पार पाकिस्तानी भी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया था।